हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हाफ कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग। पहले हम कैनवस पे गले को कट कर लेंगे। आप चाहे तो गोल गला कट करें, पर हम अभी वी गले में बनाएंगे हाफ कॉलर। तो हम अपने गले की चौड़ाई ले लेंगे जो 3 है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम गले की कटिंग करेंगे। 3 इंच चौड़ाई लेंगे और लंबाई हम लेंगे 7। अगर आप अपने ड्रेस में गले की लेंथ 6 रखते हैं तो वी गले के साथ हाफ कॉलर लगाना हो तो 7 रखें। इस तरीके से हम मेजर टेप को क्रॉस रख के लाइन बना लेंगे। अब 1 इंच लेके एक और लाइन बनाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारा गला कट चुका है, अब इसे इस्त्री से चिपका लेंगे। कपड़े को पहले अच्छे से आयरन कर देंगे अगर मुड़ा हुआ रहा तो। फिर इस तरह से गले को रखेंगे और इस्त्री कर लेंगे। अब इसे कपड़े में सिलाई रख के काट देंगे। अब इस पे सिलाई लगा देंगे मोड़ के। इस तरीके से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा सिल के हो गया है। अब इसे बराबर करके ऊपर के एक्स्ट्रा कपड़ों को कट कर देंगे। अब हम इसे कमीज में अटैच करेंगे। पहले टाचनी से इसको सेट कर देंगे ताकि गला अपनी जगह से हिले ना। कैनवस के बाजू में सिलाई लगाएंगे। अब हम बीच का कपड़ा काट के निकाल लेंगे। पहले छोटे कट मारेंगे गले में ताकि वो अच्छे से पलटी हो जाए। इसे पलटी करेंगे इस तरह से। हमारा गला पलटी हो चुका है। अब हम पीछे से भी हल्की सी छाट देंगे, आधा या 1 इंच आप दे सकते हैं। अब आगे और पीछे के पार्ट को पहले जॉइंट कर लेंगे एक में इस तरह से। और ये कैनवस वाला कपड़ा ऊपर ही मोड़ के रखेंगे। सिलाई को डबल कर लेंगे अच्छे से और दूसरे साइड का भी इसी तरीके से सिलेंगे। इसको भी डबल कर देंगे। हमारा गला बन चुका है। अब हमें इसमें कॉलर अटैच करनी है। इस तरीके से दिख रहा है वो। अब इसमें हाफ कॉलर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से पहले नाप लेंगे हम। वैसे आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं आपको कितना आगे तक के कॉलर चाहिए। हम यहाँ पे रखेंगे 12 इंच की कॉलर। फिर इस तरीके से डबल करके हम कॉलर को शेप दे देंगे। इसे भी इस्त्री की मदद से चिपका लेंगे। जो सीधा वाला साइड है उसको किनारी के साइड रखेंगे और जिस साइड से शेप की कटिंग हुई है उसे अंदर रखेंगे। कपड़े की किनारी को मोड़ के भी इस्त्री कर देंगे इस तरह से। अब इसे डबल करेंगे और एक बार और इस्त्री कर देंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। इतना स्पेस छोड़ के हम सिलाई लगाएंगे
और स्टार्टिंग का पहले डबल कर लेंगे, नहीं तो सिलाई खुल जाती है। और कैनवास के बिल्कुल बाजू में ही चलाना स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे भी लास्ट में थोड़ा सा छोड़ देना है और डबल कर लेना है। इसे निकाल दें मशीन से और साइड के एक्स्ट्रा कपड़े कट कर दें। और फिर यहाँ पे भी छोटे कट कर दें बिकॉज गोल शेप है दोनों साइड का। बीच में भी कट कर सकते हैं और ना चाहें तो ना करें। अब इसे सीधा कर लेंगे अच्छे से और डबल करके बीच में एक छोटा सा कट करेंगे। फिर अब हम इसे कमीज के साथ अटैच करेंगे। पीछे के साइड रख के उल्टे साइड से हम इसे लगाएंगे और फिर पलटी होगी सीधे साइड जाएगा। इस तरह से सिलेंगे। और लास्ट में कपड़े को थोड़ा बाहर रखेंगे और गला अंदर रहेगा और हमें सिलाई गले पे ही चलानी है। फिर लास्ट का डबल कर देंगे। हमने बीच से कॉलर लगाना स्टार्ट किया था तो अभी हम जो आधा बचा हुआ था उस साइड का भी सिल लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करें। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे आगे की साइड पलटी कर लेंगे और अच्छे से हाथ से बिठा लेंगे पहले, उसके बाद सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर के साइड से बीच में से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई बिल्कुल किनारी पे लगानी है और स्लो स्लो सिलाई चलाएं, मशीन नीचे ना उतरे कपड़े से। और कॉलर को बराबर करते रहें ताकि बीच में चुन्नटें ना आएं। कपड़ों को अंदर डाल के अच्छे से सिलें और फिर नीचे वाली लाइन पे भी सिलें। कपड़े को खींच खींच के बराबर कर लें बीच बीच में से और सिल लें। लास्ट में कपड़ा अंदर अच्छे से डाल लें, उसके बाद ही सिलें। और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे जाके एंड कर दें। ये हमारी सिलाई लग के हो गई है। कॉलर भी हमारा बन चुका है और ये दिखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।